एक चीज और बताओ, क्या आप लोग किताब लियो, बोलो एनसीईआरटी वाली बुक लियो हो कि नहीं? भाई देखो, अगर बुक लेके नहीं आओगे तो फिर मजा नहीं आती है। हाँ, एकदम मजा नहीं आती। वैसे जैसे तुम ससुराल जा रहे हो और बढ़िया से सज धज के नहीं गए, वैसे बेवकूफ जैसे चले गए खच्चर जैसे बन के, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। हाँ चलो, चांदनी जी कमेंट आ रहा है, ठीक है, सभी के कमेंट मुझे दिख रहा है। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। प्रतिमा विश्वकर्मा, ठीक है प्रतिमा जी, बिल्कुल वेरी गुड, आपका कमेंट मुझे दिख रहा है। तो बच्चों जल्दी से फटाफट अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, जहाँ भी हो सके, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करके आ जाओ। 100+ बच्चे कर दो, हम शुरू करते हैं। चलो तो कल क्या पढ़ा था मालूम है? कल हमने पढ़ा था बच्चों एक्सरसाइज 1.1। ये सभी बोर्ड के बच्चों के लिए है, याद रखना। अभी क्वेश्चन मिला लेना, नहीं विश्वास होगा तो। ये एनसीईआरटी है। तो कल हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिया था, आज उसके आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग चलो पढ़ो तो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है बच्चों, फटाफट पढ़ो तो। कल ये कॉन्सेप्ट हो गया था, 2 क्वेश्चन हो गया था। हाँ तीसरा कह रहा है कि 3/4 व 4, 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। पहला चैप्टर है मिस्टर मनीषा जी, पहला चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। क्या करना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो बच्चों क्लास को शेयर कर दो बाबू, ऐसे मजा नहीं आ रही यार। हाँ आप लोग क्लास को शेयर करके आओ फटाफट, बच्चे जुड़ने चाहिए ना, ऐसे थोड़ी मजा आती है। बताओ, कुछ ये भी गड़बड़वा रहा मुझे लग रहा है, स्मूथली नहीं चल रहा है क्या? नहीं चलेगा तो बता देना कि नहीं चल रहा अच्छे से। हाँ ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल। आप थोड़ा सा मैं इसका FPS कम कर सकता हूँ क्या? आप लोग कर लोगे क्या इस तरह का क्वेश्चन, बताओ पहले मुझे। कर लोगे क्या? उससे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये कुछ कम नहीं होगा यहाँ। ठीक है, कर लोगे ना सभी? आप देखो समझो, 5 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालना है। अच्छा 5 निकालना है, ठीक है बच्चों, 5 निकालना हो या 6 निकालना हो बात वही हुई। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम बच्चों, सबसे पहले हम जो करेंगे वो करेंगे ही। अभी देखो आप लोगों के वादे के मुताबिक 100 बच्चे नहीं हुए, 100 बच्चे नहीं हुए, मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है भाई शेयर करो फटाफट, 100 बच्चे हो जाए नहीं तो हम कैसे पढ़ाएंगे फिर, ऐसे पढ़ाएंगे नहीं हम, जान लो। तब तक मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तब तक आप शेयर करके आओ सभी, सभी फटाफट शेयर करके आओ, तब तक मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है ऋतिक चौधरी, ब्रजेश यादव, प्रांजल, आपके जितने व्हाट्सएप में ग्रुप हैं सब में भेज दो, अपनी व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दो कि क्लास 9th का मैथ पढ़िए, लाइव देखिए, फ्री देखिए। हाँ यही तो करना है ना आपको, कर दो फटाफट। चलो 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 फटाफट सभी करके आओ, देखो शेयर करके आओ, पहले 100 करो तभी पढ़ाएंगे, नहीं नहीं पढ़ाएंगे। 100 से कम बच्चे आएंगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे। और बच्चे हो भी गए हैं लगभग, थोड़ा सा बचे हैं, कुछ बच्चे हैं जो नहीं लाइक कर रहे हैं अभी, नहीं शेयर किए, वो भी कर दें बस हो जाएंगे। चलो कुशाल सिंह, शिवधनी गुप्ता, अंजलि कुमारी, नितेश, रितेश यादव, दिवाकर, हाँ दिवाकर हम सबको जानते हैं, लेकिन तुम पढ़ाई कर लो बस, यहाँ पे बात नहीं करेंगे। हाँ बात संडे को करेंगे, रात 9 बजे आना। चलो सभी बच्चे शेयर करके आओ फटाफट, क्वेश्चन करवाते हैं, 100 बच्चे पूरा कर दो बस। चलो कुलविंदर कौर जी गुड इवनिंग, पूनम कुमारी गुड इवनिंग, रोहित, प्रांजल, सभी बच्चे फटाफट शेयर करके आओ, 25 बच्चे अभी बचे हैं, 100 के पार करोगे तभी क्लास चलेगी भाई, 100 बच्चे तो आने चाहिए कम से कम ना।
संगीता कमेंट आ रहा है। चलो ठीक है, ट्राई करते रहो, अच्छी बात है, ट्राई करते रहो, सभी ट्राई करते रहो। वेरी गुड रिशु शुक्ला, ब्रजेश यादव, सभी शेयर करके आओ तुरंत फटाफट, 100 पार करो भाई। 100 बच्चे जैसे हो जाए तुरंत हम क्वेश्चन करवाएं। कल 2 करवा दिए थे, कंसेप्ट पढ़ा दिए थे, आज आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज 1.2 पूरा हो जाएगा और 1.1 भी ये पूरा हो जाएगा, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। कुछ बच्चे शेयर करने गए हैं अभी, ठीक है, जो बच्चे शेयर करने गए ये मत सोचना कि वो भाग गए हैं। खुशहाल सिंह मेहरा, तुम्हें ब्लॉक कर दें क्या बच्चा? हाँ, ज़्यादा दांत निकल रहा तुम्हारा भाई, ज़्यादा दांत ना निकालो, केवल मतलब का काम करो बस, तुमको लिखना तो आता नहीं है। हाँ, स्टार्ट करो को लिख रहे हो, स्ट्रेट करो। हाँ, स्ट्रेट मतलब क्या होता जानते हो? सीख लो, लिखना पढ़ना सीख लो। मनोज यादव जी ठीक है, मनीषा देवी इलाहाबाद यूपी में, प्रयागराज में। कुहू रानी भूले नहीं है, पहचान रहे हैं, सबको पहचान रहे हैं हम। तो भाई अभी हुए नहीं 100, हाँ फटाफट 100 करो ना यार, शुरू किया जाए, आगे बढ़ा जाए जल्दी से, आप लोग टाइम ना वेस्ट करो। हाँ चलो, तब तक एक क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग जल्दी से जो नहीं शेयर किए फटाफट शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो, बस इतना ही तो करना है। हमारे प्यारे बच्चे हमारी बात सब मानते हैं, हाँ तभी तो देखो 3 लाख बच्चे जुड़े हैं, बहुत ही मानते हैं हमारी बात। चलो आप लोग करो फटाफट, देखो समझो। तो नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का PVR स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। कुछ बच्चों के हम नाम बोलेंगे इसमें जिनके कमेंट आ रहे हैं, जैसे कि किरण सिंह, आशु, अब्दुल, ब्रजेश यादव, राज विशाल और गोपीनाथ, नरेश और रंजना कुमारी, नितेश, प्रिया सिंह और लवलेश कलाल, संगीता, प्रांजल, कुहू, रघु अनुराग और मुकेश। तो आपकी क्लास हम शुरू कर रहे हैं, आप सभी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्रिय स्टूडेंट्स, कल हम 1.1 एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन कर लिए थे और तीसरा क्वेश्चन आज हमें करना है, ठीक है। अब समझो, तीसरा क्वेश्चन है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें परिमेय संख्याएं जो भी दी गई है, मतलब जिनके बीच में निकालना है, उनको लिखना होता है। जैसे मैंने इसको लिख लिया, उसके नीचे दूसरा वाला लिखते हैं जो भी भिन्न दी गई है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या इनके हर बराबर हैं या नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताओ क्या इनके हर बराबर हैं। देखो हम हर बार कमेंट नहीं पढ़ेंगे, नाम नहीं बोलेंगे, याद रखना। कुछ बच्चे कहेंगे तो लाइव है ही नहीं, अरे गधों लाइव है तो क्या मैं तुम्हारा नाम ही पुकारूं, पढ़ाऊं नहीं? हाँ चलो, तो क्लास पे ध्यान दो बेहतर रहेगा। दोनों फ्रैक्शन के देखो अगर आप, तो हर बराबर हैं, इक्वल है ना बाबू। तो अगर इनके हर बराबर हैं तो हमें क्या करना है भाई, 3 और 4 के बीच में हमें तो मालूम है कि सीधी सीधी कोई संख्या होगी नहीं। हाँ तो हमें जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी है, देखो हमें 5 निकालनी है ना, आप जरा एक मिनट के लिए सोचो, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो ये 6 बन जाएगा, और इसमें 2 से गुणा कर दें तो 8 बन जाएगा। अब बताओ क्या 6 और 8 के बीच में 5 संख्या हो जाएगी? नहीं होगी। अगर इसे 4 से गुणा कर दें तो ये 12 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तब भी 5 संख्या नहीं होगी। अगर 5 से करें तो 15 और 20 हो जाएगा, हमें 5 संख्या निकालना नहीं होगा। तो प्रायः हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ट्राई करते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं, मतलब जैसे पहले 2 से गुणा करके ट्राई कर लो, 3 से 4 से 5 से, नहीं तो लास्ट में अगर बहुत जल्दी है तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि जितनी परिमेय संख्या निकालनी है बच्चों उससे 1 अधिक से गुणा करते हैं ऊपर नीचे। 5 निकालना है तो 6 से करोगे, 8 निकालना है तो 9 से करोगे, 4 निकालना है तो 5 से करोगे, 1 बढ़ा के। तो ऊपर नीचे इसमें क्या करेंगे बच्चों, 6 से गुणा करेंगे दोनों में, आप क्या करोगे 6 से मल्टीपल करोगे, ये हो जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा 4×24/30। अब हमें क्या करना है, 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि 18 और 24 के बीच में क्या 5 संख्या हो जाएगी या नहीं? सभी बच्चे बोलो हाँ या नहीं, हो जाएगी कि नहीं भाई? हाँ
सही चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना नरेश जी? हो जाएगा ना बाबू, पांच संख्या हो जाएगी ना, आगे लिखो। चलो फिर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो समझो, आगे समझो। अब हम लिखेंगे आगे, नीचे इसके दिख रहा है, यहाँ लिख लो आप, यहाँ लिखेंगे आप लोग, नीचे लिख लेना। अतः 18/30 व 24/30 के बीच पांच परिमेय संख्याएं, पांच परिमेय संख्याएं निम्न हैं। ऐसे लिख लो, लिखने का अपना अपना तरीका है, या फिर पांच परिमेय संख्याएं लिख के ऐसे डैश कर दो, कुछ भी ना लगाओ, उसके नीचे आ जाओ फटाफट। हाँ समझ रहे हो ना? देखो तो अब देखो समझो, हमें किसके किसके बीच निकालना है, 18/30 और 24/30। तो बच्चों पहले हम ये दोनों नंबर लिख लेंगे, 24/30 इधर साइड में। भैया देखो, आप सभी जानते हो कि 18 के बाद क्या होता है बच्चों, 19 होता है। तो बच्चा ये हो जाएगा 19/30, ये हो जाएगा बाबू 20/30, और ये हो जाएगा 21/30, ये हो जाएगा 22/30, और ये हो जाएगा 23/30। बोलो, इस तरह से आपकी पांच परिमेय संख्याएं हो गई ना। उमा शंकर सिंह आ रहा समझ में? रोहित शर्मा, सुरति साहनी, पुष्पक तिवारी, सबको समझ में आ रहा ना? देखो बच्चों, कभी कभी इस तरह के सवाल के उत्तर नहीं मिलते आपकी किताब से, पता है ऐसा क्यों नहीं मिलते हैं? देखो, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर हम आपसे पूछे मोटा मोटा कि जैसे मान लो कि 5 और 12 के बीच में हम आपसे दो संख्या पूछें, तो भैया 5 और 12 के बीच में तो दो से अधिक संख्याएं हैं। मान लो कोई बता दिया कि गुरुजी 5 और 12 के बीच में 8 और 9 होगा, तो उसका भी सही है। अगर कोई बता दिया कि 8 और 11 होगा, तो उसका भी सही है। अगर कोई बता दिया 6 और 7 होगा, तो उसका भी सही है। इसका मतलब सबका सही है ना? तो अब आप तुम किताब से इसी तरह मिलाओगे तो इनके बीच में संख्याएं तो अनंत होती हैं भाई, परिमेय संख्याएं तो इनके बीच में अनंत होती हैं। मान लो हमने ये लिखा है 5, कोई और कुछ और लिख रहा है, हाँ, या फिर एक काम और कर सकते हो, इनको अभी सरल कर सकते हो, इनको अभी आप काटोगे 2/3 आ जाएगा, हाँ, सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा और चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका उत्तर इसी वजह से किताब से नहीं मिलता है, समझ रहे हो ना? लेकिन आपको क्या करना है, केवल और केवल तरीका लगाना है बच्चों, बस। ठीक है, जहां आप तरीका लगाए तहां आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लिख लो, मैं इसको मिटाऊंगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, भाई कितना क्वेश्चन था इसमें, 3 था, चौथा भी बताना है ना एक। ठीक, चलो चौथे में आ जाओ, चौथे में आ जाओ बच्चों। किताब लिए हो कि नहीं सभी, पहले ये बताओ। चौथा प्रश्न पढ़ो अभी बच्चे, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 रीड करें जल्दी से। चलो रीडिंग लगाओ क्वेश्चन फटाफट। चलो देखो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, मैं पढ़ के खुद से आपको सुनाता हूँ, ध्यान दो, क्लास को पूरा देखो बच्चा, अगर गणित सीखना है, अगर कोई समस्या है तो बता दो, नहीं चल रहा है तो बता दो, कोई अन्य बीमारी हो रही है तो बता दो, हम उसे दूर करेंगे। लेकिन अगर 10-5 मिनट देखोगे तो कक्षा 9 में पहुंचे हो, समझ में ना आएगा। ये कक्षा 9 की गणित है, समझ में नहीं आती इतनी आसानी से। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देसी म्यूजिक अड्डा, भाई नाम अपना अच्छा रख लो बाबू, बोलने में मुझे ना शर्म लगेगी। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, 4 नंबर, ध्यान दो आप लोग। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। पहला पूछ रहा है कि आप प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सभी बच्चे बोलो जल्दी से, कल मैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ाया था, जल्दी बताओ नहीं पटक पटक के मारेंगे। चलो बताओ, पहला बताओ, क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी जो नेचुरल नंबर होती हैं वो होल नंबर हो सकती हैं? बोलो हाँ या नहीं, जल्दी जवाब दो। सभी हाँ या नहीं में जवाब दो, सभी जवाब दो हाँ या नहीं में। क्या सभी
प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, बताओ बताओ, चलो बताओ। अंजलि कुमारी, प्रांजल वर्मा, मनोज, शिवा पांडे। देखो बच्चों, सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं ना? हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं भैया। हो जैसे अगर मैं कहूँ कि ये बोतल है इसमें पानी है, ये बोतल है इसमें पानी है, तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्या संपूर्ण पानी बोतल के अंदर है या कुछ पानी बहरे भी लटका इधर उधर, हाँ देखो है ना, तो पानी जितना भी इस बोतल में है सब इसके अंदर में ही है ना, बाहर तो नहीं लटक रहा है ना, हाँ नहीं तो यहाँ कुछ लटका हो पकड़ पकड़ के। तो इसी तरह से जो प्राकृतिक संख्या होती बच्चों, वो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ऐसा क्यों? देखो समझो, दूसरा एग्जाम्पल मैं अभी इसको रियल में बता रहा हूँ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या पूरा बोतल पानी के अंदर है, बताओ है, क्या ये पूरा बोतल पानी के अंदर है? कहोगे कहाँ पानी के अंदर है, तो हाथ में पकड़े हो, पानी तो इसके अंदर है ना, हाँ तो ये संपूर्ण बोतल पानी के अंदर नहीं है, लेकिन संपूर्ण पानी बोतल के अंदर है। तो उसी तरह से बच्चों, जो आपका प्राकृतिक संख्या होती है ना, वो सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। देखो कैसे, समझो यहाँ पे समझो, जो नेचुरल नंबर है आपका, मतलब प्राकृतिक संख्या जिसे बोलते हैं बच्चों, वो वन से शुरू होती है, वन से शुरू हो करके अनंत तक जाती है, हा? जबकि जो होल नंबर है ये इसका दादा परदादा है, मतलब इससे चार कदम और आगे है, ये जीरो से ही शुरू हो जाते हैं, हाँ जिसे कहते हैं ना, तुम मेरा रास्ता यहाँ से रोकोगे ना तो हम तुम्हारा घर ही बंद कर देंगे, ये जीरो से ही शुरू हो जाते हैं। तो अब बताओ ज्यादा किसमें है, ज्यादा किसमें भाई, किसमें कौन ज्यादा है? ये जीरो से ही शुरू हो जाती है, एक से ही शुरू हो जाती है, तो यानी ये प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है ना, तो बच्चों प्राकृतिक संख्या की सारी संख्याएं तो इसमें मिल रही हैं पूर्ण वाली में, तो हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकती है। ठीक है, एक एक चीज समझते चलोगे तभी मजा आएगी, नहीं समझोगे तो कुछ मजा नहीं आएगी, ऐसे ताकते रहोगे चट्टागट्टा जैसे, समझ में कुछ नहीं आएगा, हाँ समझ गए ना बच्चा, पढ़ाई कर लो, एक ही कमेंट बार बार ना करो नहीं तो ब्लॉक कर देंगे। हमारे कितने नंबर आए थे पूछ रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता यार, आए भी थे कि नहीं आए थे, पहले पढ़ाई कर लो फिर बातचीत करेंगे, संडे को जुड़ना, सब कुछ तुमको बताएंगे, कितने नंबर आए थे, कितनी गर्लफ्रेंड थी, कहाँ पढ़ते थे, कितना लात खाते थे, कितना मार खाते थे, हाँ कितना तेज थे टेस्ट में, कितना नंबर पाते थे, सब बताएंगे संडे को रात 9 बजे लाइव आना, हाँ बातचीत करेंगे। चलो अभी पढ़ लो, अभी नहीं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड वाला पढ़ो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बोलो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, अभी बच्चे बोलो यस या नो, क्या प्रत्येक इंटीजर नंबर जो होता है वो एक होल नंबर हो सकता है, बताओ। दूसरा नंबर बच्चा इसमें का देखो बच्चा, चलो देखो, प्रत्येक पूर्णांक कह रहा कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकती। अब क्वेश्चन में फालतू काहे लिखूं, तुम समझ तो रहे ही हो, क्वेश्चन कह रहा बच्चों कि क्या प्रत्येक पूर्णांक मीन्स एवरी इंटीजर जो होता है वो होल नंबर हो सकता है, यस या नो, यस या नो। तेज सिंह, हरेंद्र यादव, ब्रिजेश, नजराना, नजराना नहीं देने को बोल रहा हूँ, नजराना नाम है किसी का इसमें, मोहम्मद मोनुद्दीन, पुष्पा लाटा, नाम बहुत कठिन कठिन है भाई, मुझे कम पढ़ना आता है इंग्लिश में, मैथ में नाम होता तो मैं जान जाता। चलो देखो, नहीं प्रत्येक इंटीजर पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है दद्दू, कैसे मालूम है? ये नेचुरल नंबर तो इनके काका जो थे नेचुरल नंबर के होल नंबर मैंने बताया था, ये इनके परदादा हैं, जानते हो ना, ये गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं,
देखो समझो यहाँ पे दोनों का मतलब समझ लो तुम। अब पूर्णांक मतलब इंटीजर होता है, मैं इसको अब इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो प्यारे बच्चों जो पूर्णांक होता है वो माइनस अनंत से शुरू होता है, यानी तुम इसे ऐसे कह सकते हो माइनस 10,000, माइनस 9,999, माइनस 9,998 ऐसे। और ये जाता कहाँ तक है, ये प्लस अनंत तक जाता है। मतलब हमें ये नहीं पता है कि पूर्णांक की शुरुआत कहाँ से होती है, ये मालूम ही नहीं है। लेकिन ये दद्दू हैं जो पूर्ण संख्या जो हर जगह टांग अड़ाए रहते हैं, इनकी शुरुआत तो सुन्ना से होती है बच्चा। कहाँ से होती है, सुन्ना से होती है, यानी कि पूर्ण संख्याएं माइनस में नहीं होती हैं। समझ में आया ना, पूर्ण संख्याएं माइनस नहीं होती हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक इंटीजर जो है वो पूर्ण संख्या होगी, भाई इंटीजर में तो माइनस वाली संख्याएं भी आती है ना, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस की संख्याएं नहीं आती हैं, इसलिए इसे लिखेंगे नो, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या कभी नहीं होगा। चलो भाई क्लास को तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो, क्या चाहते हो, मैं फोपड़ी पटक डालू यहीं पे? हाँ सभी बच्चे, एक एक बच्चा लाइक करेगा तभी आगे पढ़ाऊंगा आप। चलो फटाफट लाइक करो, तुरंत करो, चलो जल्दी से इस क्लास को सभी बच्चे लाइक करें फिर आगे बढ़ें। चलो अभी मैं देख रहा हूँ, हाँ देख रहा हूँ, चोरी नहीं करना, गुरु से कपट मित्र से चोरी, सुने हो कि नहीं, बड़ा नुकसानदायक होता है। तब तक मैं इसको थोड़ा पोछ पाछ देता हूँ, तब तक तुम लोग लाइक करके बताओ। चलो भाई अभी सब नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना बच्चा, मैं सब देख रहा हूँ कितने लोग नहीं लाइक कर रहे हैं। आदित्य दुबंसी, देखो यहाँ पे मैं अंगूठा भेजने को नहीं बोल रहा हूँ गधों, मैं क्लास जाके वहां लाइक करने को बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे अंगूठा दिखा दो, ठुइया वाला क्या बोलते हैं उसे, लुट ले लो, हाँ मैं ये नहीं मांग रहा हूँ। अभी केवल 8 लोग किए, बस मेरे कहने के बाद 8 लोग, बाकी नहीं करे, बाकी लोगों के लिए अभी डंडा लाना पड़ेगा मुझे। पता है हम स्कूल में पढ़ाते थे ना, तो कक्षा 9-10 वालों बच्चों को बहुत मारते थे, लेकिन हरदम नहीं मारते थे, जब टेस्ट होता था वो लोग नहीं पढ़ते थे तब मारते थे, उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया, हमने कहा ये पढ़ेंगे नहीं, जाने दो। फिर योगी जी आ गए, योगी जी कहे पढ़ाओ वढ़ाओ नहीं, मैं वैसे पास कर दूंगा, पेपर ही नहीं होगा। चलो देखो यहाँ पे समझो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, बताओ प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या कह रहा है एक पूर्ण संख्या है, बोलो हाँ या नहीं, हाँ या नहीं बोलो। ऋतिक कुमार, हरेंद्र, दिवाकर, देखो भाई सभी बच्चे लाइक नहीं कर रहे हो, हाँ लाइक करना है, तुम सब कुछ जानते हो, बहुत बड़े कीड़े हो, तुम गेम खेलते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो मोबाइल में, ऐसा नहीं कि तुम नहीं जानते हो लाइक करना, सब जानते हो, नहीं कर रहे हो मुझे मालूम है, जो जो नहीं किया कल की क्लास में उसे ब्लॉक कर देंगे, देखना कल की क्लास में ब्लॉक कर देंगे, उसका कमेंट ही नहीं आएगा कल से, फिर ना कहना कि सर मुझे काहे ब्लॉक कर दिए, प्लीज अनब्लॉक कर दो ना, हाँ फिर कहोगे ना तो फिर हम कहेंगे बेटा निकल लो, तुम मेरी नहीं सुनते हो तो मैं तुम्हारी काहे सुनूं। देखो यहाँ पे समझो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखो परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या की हमें पहली नंबर तो जानकारी होनी चाहिए, हाँ जानकारी होना चाहिए, जो प्रत्येक रेशनल नंबर है बच्चा वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ये सब अलग अलग बिरादरी के हैं, अलग अलग समुदाय के हैं। मतलब समझो, जो पूर्ण संख्या होती है प्यारे बच्चों, होल नंबर, ये सिर्फ जीरो से शुरू होकर के 1, 2, 3 चवन्नी गिरी केवल प्लस में होता है, मतलब ओनली पॉजिटिव होता है बस, बाकी कुछ नहीं होता है। लेकिन जो आपका दूसरा है रेशनल नंबर, जिसे परिमेय संख्या बोलते हैं, ये सही गलत शुद्ध अशुद्ध सब परिमेय संख्या होती, माइनस में कौनो दिया गया ये भी क्या है रेशनल नंबर है, लेकिन ये पूर्ण संख्या थोड़ी है ना दद्दू, ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब तुम दशमलव में लिख दो 0.5, ये भी क्या है, ये रेशनल नंबर है,
लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, यह अपूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है, समझ गए ना। प्रिया पाल जी गुड इवनिंग, बहुत जल्दी आ रही हो तुम, क्लास की छुट्टी करवाने आई हो मुझे लग रहा है। भाई देखो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाओ, अपने साथियों को, सभी साथियों को लेकर के आओ फटाफट, सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर करें, ठीक है, समझ रहे हो ना। अपने सभी साथियों को तुम लेके आओ क्लास में, ऐसे मजा नहीं आती कि दो लोग चार लोग आके पढ़ोगे, हाँ इसे हम पढ़ाएंगे भी नहीं, ये भी जान लो तुम। चलो इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में लिख लो बेटा, नो एवरी रेशनल नंबर विल नॉट अ होल नंबर। मेरी इंग्लिश सही है, मतलब तुम समझ गए मैं जो कहना चाहता हूँ, बस मुझे इंग्लिश में नहीं बोलना है क्योंकि ये हिंदी की क्लास है। आगे चलें बढ़े इसको लेकर के। तो बच्चों बोलो श्री भगवान की जय, आपका पहला 1.1 हो गया खत्म, 1.1 खत्म, अरे एंड नहीं हुई ना लायक, अभी 1.2 चलेगा। अब डालो एक्सरसाइज 1.2 कि रहने दे कल पढ़ाएं, हाँ 1.2 पढ़ाएं या कल पढ़ाएं, क्या कह रहे हो बोलो। यस देखिए बच्चों अगर ईमानदारी से पढ़ोगे भाई, हमारी बात आप मानोगे तो हम आपकी बात मानेंगे। और हाँ अभी साइंस का भी लाइव चलाने वाले हैं, बड़ा दमदार क्लास चलेगी साइंस की, एक से एक एक्सपेरिमेंट बताएंगे तुम्हें, अपने घर के गड्ढे में जाके करके आना, समझ रहे हो ना, हाँ जो गांव से है समझो। देखो साइंस पढ़ाएंगे ना, अरे गड्ढे मतलब खेत भी होगा आसपास, तो साइंस में बहुत कुछ होता है, वो सारा एक्सपेरिमेंट तुम घर पे कर सकते हो, साइंस जल्दी ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। चलो आज ही पढ़ा दें, एनसीईआरटी है बच्चा श्रीकांत, एनसीईआरटी कुहुरानी, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अरे तुम लोग इतने प्यारे प्यारे हो, हम कैसे ना पढ़ाएं, ऐसा हो कैसे सकता है। चलो देखो पहला क्वेश्चन, जो किताब नहीं लिए ना बच्चा निकल लो तुम, नानी के घर चले जाओ, किताब लेके तो आना, चलो किताब लेके आया करो, खाली हाथ यहाँ बतासा नहीं बटने वाला है, खाओगे अभी, हाँ खाली हाथ नहीं आया करो, किताब कॉपी लिए रहोगे तो कुछ समझ में आएगा। चलो 1.2 खोलो, 1.2 एक्सरसाइज 1.2 कक्षा 9 की एनसीईआरटी गणित है ये बच्चा, क्या है एनसीईआरटी है ये, साइंस की क्लास हमारी कोशिश है 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी, साइंस की दमदार क्लास होगी, क्लास के बारे में सूचना देंगे शाम को 7 बजे वाली क्लास में। चलो पढ़ो बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये ब्लर वलर कर रहा है का कैमरा, वहां कबे दिमाग वमाग सही नहीं चल रहा है का, सही दिख रहा है ना, चलो ब्लर कर रहा होगा तो बताना, दे देंगे तो चार्ट ठीक। पहला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, इसमें भी सत्य असत्य करने को बोल रहा है, कारण बताओ, अगर सत्य है तो कारण बताओ क्यों सत्य है, ऐसा नहीं काम चलेगा कि तुम जय श्री राम करके बोल दिए सत्य असत्य सत्य असत्य, कारण लिखना पड़ेगा, कारण बताओ क्यों असत्य है तो क्यों, देखो समझो, हाँ साइंस पढ़ाएंगे, सबर रखो धैर्य रखो। पहला कह रहा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बताओ एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, बताओ बच्चा क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बताओ यस या नो। चलो सभी बच्चे जवाब दो, क्या प्रत्येक कौन सी है भाई अपरिमेय संख्या ये वास्तविक संख्या होती है, लाइट कम है का, हाँ वास्तविक संख्या होती है। देखो बहुत से बच्चे कोशिश करेंगे, बच्चों देखो जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ाया था बाबू, अगर उसको पढ़े होगे ना तो आपको सब समझ में आएगा, बेहतरीन मजा भी आएगी, लेकिन आपने उसे पढ़ा नहीं, मुश्किल की बात ये है। अभिषेक सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना मीठा कमेंट करने के लिए, पानी पी लेते हैं, आपका कमेंट बहुत ही
बहुत ही मीठा था मतलब। चलो देखो इधर समझो, यस इसका आंसर है यस यस। प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होती है, वो रियल नंबर होती है। क्योंकि ये चीज रट लो बच्चा, तुम याद कर लो, जो वास्तविक संख्या होती है जिसे इंग्लिश में बेटा रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर, ये होता है बराबर परिमेय धन अपरिमेय अपरिमेय संख्या। ये चीज तो तुम पढ़ लो, हाँ, यानी जो रियल नंबर है वो रेफनल प्लस इरेफनल नंबर को जोड़ करके ही बनता है, यानी वास्तविक संख्या में दोनों होते हैं, समझ रहे हो ना? जैसे एक फैमिली बनती है मम्मी पापा को मिला के, समझ गए ना, वैसे होता है ये। चलो आज ही पढ़ाएं, ठीक है, पढ़ा तो रहे बच्चा। हाँ, जितने भी हमारे नए प्यारे प्यारे साथी आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, PVR स्टडी इलाहाबाद को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ PVR स्टडी को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी आपके वीडियो जाते हैं लाइव होगा। इंस्टाग्राम पे भी नाम PVR स्टडी ही है, वही नाम है जो हर जगह है, एक ही नाम है भैया, PVR स्टडी, ये तीन नाम से मिलके बना है, बताऊंगा कभी। चलो अगला पढ़ो, टाइम नहीं। अगला कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है, बताओ, जवाब दो। पाई एक अपरिमेय संख्या है बच्चा, क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, अगर वो सिर्फ पाई दिया है तो, अगर उसका वैल्यू दिया है, इसकी कहानी बड़ी लंबी है, मैं तुम्हें सब नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे भाई, पहले क्लास पढ़ लो तब डिटेल में बताना पड़ेगा, छोटा ज्ञान खतरनाक होता है थोड़ा सा। अगला बताओ, यस या नो? अगला यस या नो? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, हमें तो नहीं लगता कि होता है। हाँ, कह रहा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम बराबर प्राकृतिक संख्या, बताओ ये सही है कि गलत है? जो बच्चे किताब लिए हैं कक्षा 9 की NCERT गणित खोल लें, प्रश्नावली 1.2 यानी अभ्यास 1.2 क्वेश्चन नंबर पहला का ये दूसरा पार्ट है, तो बच्चों इसका उत्तर होगा नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि जो संख्या रेखा होती है भैया बाबू, उस पे तो सारे पूर्णांक आते हैं, बीच में जीरो होता है, सुन्ना होता है, इधर सुन्ना 1, 2, इधर सुन्ना की इधर -1, हाँ -2, -3, इस पे सब होता है ना। लेकिन कह रहा है कि अंडर रूट यम के रूप का होता है, यानी कि इनका कहने का ये तात्पर्य है बच्चा का, कि सभी प्राकृतिक संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या रेखा पर लाके ठूस देंगे, ऐसा कब नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो माइनस वाली संख्याएं हैं उनका तो वर्गमूल निकाल के तुम माइनस में नहीं ला पाओगे ना, आएगा ही नहीं। हाँ, वर्गमूल किसी संख्या का माइनस होता है कभी? बताओ, किसी माइनस वाली संख्या का भी अगर हम वर्गमूल करेंगे तो हमेशा प्लस हो जाता है, इस पे तो माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं। तो संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है वो अंडर रूट एम के रूप का नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अगला कह रहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है, मां शारदे कोचिंग, बहुत अच्छे गुरुजी, चलिए समझिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, बताइए, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, बोलो हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। परसा यादव क्लास तो चल रही है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, शाम को 7 बजे चलती है, हर दिन शाम को 7 बजे चलती है, सिर्फ सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। अब नहीं सब्सक्राइब करोगे तो फिर आप जानो आपका काम। तीसरा पार्ट देखो बच्चों, कह रहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो एवरी वास्तविक मीन्स रियल नंबर होता है, कह रहा कि वो इरेशनल होगा। ये कौन सी ग्रह आ गई भाई? हाँ, तुम्हें अभी आना था, चल निकल ले भाई।
तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो इरेशनल होगा। भाई ऐसा तो नहीं है बच्चा, ऐसा तो नहीं है भाई। मम्मी पापा से बच्चे तो पैदा हो जाते हैं, लेकिन बच्चों से मम्मी पापा थोड़ी पैदा होंगे, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। ऐसे जान लो कि दूध, एक एग्जाम्पल ले लो छोटा सा, दूध से हम दही भी बना सकते हैं, मट्ठा भी बना सकते हैं, खीर भी बनाते हैं, दूध से बहुत कुछ बनता, पनीर भी बनता है। लेकिन इन सारे सामग्रियों को मिला करके हम दूध नहीं बना सकते हैं कि बना लेंगे, बताओ। अबे भाई तुम खुद बताओ, दूध से दही बना लोगे लेकिन दही से दूध बना पाओगे? नहीं ना। दूध से पनीर बना लोगे, पनीर से दूध बना पाओगे? नहीं ना। तो उसी तरह से जो वास्तविक संख्या है, ये कह रहा है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सभी अपरिमेय होती हैं। काहे को ऐसा काहे बोल रहे हो? हाँ, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, ये कहाँ का अन्याय है भाई? अगर मैंने 5 लिखा तो ये भी क्या है? वास्तविक संख्या तो है ना ये भी तो वास्तविक संख्या है ना, लेकिन ये अपरिमेय थोड़ी है, ये तो परिमेय है ना। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं जो वास्तविक तो हैं लेकिन अपरिमेय नहीं है, तो ये गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी आती है, उनका तो हिस्से कट कर दिए है। जैसे मान लो किसी माँ बाप के 2 बच्चे हैं भाई, उनकी संपत्ति है, उनकी जायदाद है, मान लो उनके 25 बीघा खेत है, तो 12.5-12 बीघा दोनों का हुआ ना। ऐसा तो नहीं हो जाता हट्टा कट्टा सब ले लेगा, एक वक्त नहीं देगा, मार डालेगा जान से वो। आजकल जान रहे हो ना कितना माहौल चल रहा है गड़बड़, तो समझ गए ना। देखो इसमें एक ही सवाल और बचा है बस, अब एक ही और बचा है यार, गजब गरा है इसमें, हम तो सोच रहे थे खत्म हो गया। अगला देखो, कह रहा है बहुत ही आसान है दूसरा नंबर, दूसरा नंबर बहुत आसान है बच्चों। अच्छा एक बात पहले मुझे बताओ ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोले कौवा काटे। हाँ, इसमें से कौन कौन किताब नहीं लिया है? सही बताओ भाई, बलर काय कर रहा है। 50 जो किया है FPS उसी से लग रहा है, गड़बड़वा रहा है। बताओ कौन कौन इसमें किताब नहीं लिया है? ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोले ना तो देखो ये कपड़ा काला काला भिगोए हैं, मुहे मारेंगे फटाक। पुरानी किताब नहीं ली हो? सौरभ, भगवान उज्जवल, रसगुल्ला हो तुम, अभी तुमको रसगुल्ला मलाई सब मिलेगा। बताओ किताब नहीं लाए हो ना भाई? देखो किताब लेके बैठोगे तब समझ में आएगा, बिना किताब के आओगे तो यहाँ पे रामायण नहीं हो रही कि हम दिखाएंगे तुमको और तुम देखोगे आराम से। किताब लेके आओ, NCERT किताब लिए रहो, नहीं तुम्हारे पास जो भी है वही लिए रहो। संख्या पद्धति खोल लो पहला चैप्टर, वही सब मिलेगा, सब वही है। कोई भी किताब ले लो, कोई भी प्रकाशन। हम भी जब कक्षा 9-10 में थे तो हम भी दिमाग लगाते थे, अरे गुरु जी तो मनोहर पढ़ावता है, हम तो NCERT लेके बैठा है। हाँ वो तो दूसर है, वो तो दूसर है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि सब में वही रहता है, केवल क्वेश्चन आगे पीछे रहता है, इधर उधर रहता है। किसी में 1.1 दिया है, किसी में 1A दिया है, किसी में 1A 1B 1C दिया है, किसी में 1.1 1.2 1.3 ऐसे दिया है, रहता सब वही है। ठीक है चलो, ठीक है जो नहीं लिया वो ले लें। अगला दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखो क्या कह रहा है भैया, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू समझो। कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। हाँ? इनका कहने का ये मतलब है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अबे गधा कहाँ से आया तू ऐसा बोलने के लिए, ये गलत है। नहीं अपरिमेय होते हैं नहीं, इसका उत्तर लिखो नो। नहीं भाई, धनात्मक पूर्णांक बहुत सारे हैं, उनका वर्गमूल निकालोगे तो सब अपरिमेय थोड़ी आ जाएंगे। ये लो एग्जाम्पल ले लो, 25 ही दे दें तुमको, 16। 16 क्या धनात्मक पूर्णांक है, इसका जो वर्गमूल है 4 है, ये अपरिमेय थोड़ी है, ये परिमेय संख्या है। ऐसा ऐसा चट्टा इसमें बसे हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिख देते हैं। देखो ये सभी हैं, ये सभी ले लो, ये सभी धनात्मक पूर्णांक है लेकिन इनके जो वर्गमूल है वो अपरिमेय नहीं है, इसलिए इनका उत्तर मैंने गलत सिद्ध कर दिया कि
सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। लल्लू गलत लिखे हो तुम। चलो सबको समझ में आया? भाई तुम लोग देर में काहे आ रहे हो? क्लास का टाइम तो शाम को 7 बजे है, तो फिर इतना देर में क्यों आ रहे हो? हाँ कहाँ गए थे बताओ, कहाँ गए थे? कल से पिटाई होगी पटक पटक के, जान लो। टाइम से आया करो। दीपक शर्मा बच्चा पढ़ाई कर लो बस, और कुछ नहीं मिलेगा। एक थी है, इसका का नाम है सौरभ, कह रहा बोलो कुहू कहाँ चली गई। दिवाकर सिंह भाई सब उसी के पीछे काहे पड़े हो बे, हाँ ब्लॉक करने का। कोई किसी का नाम लेके कमेंट नहीं करेगा, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, नहीं तो हम ब्लॉक कर देंगे। बच्चों आज आप पढ़ेंगे क्लास 9th की NCERT मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3, जो कि हिंदी मीडियम हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये आपके CBSE बोर्ड, अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखोगे तब भी सेम क्वेश्चन वही हैं, और हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताएंगे, मतलब दोनों भाषा में हम आपको समझाएंगे। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश में समझ सकते हो, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ बच्चों के नाम हम बोलेंगे जो टॉप पे मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि हंसराज कुमार, मनीष कुमार, मनोज सिंह, सौरभ, मनीषा, प्रियंका सिंह, यूनिक सोल्यूशन, रविशंकर, आदित्य दुबंसी और आभा कुमारी और सोनम राय और भाई विक्रांता मौर्य जी जुड़ चुकी हैं, अनूप मिलन और जय सिंह, बहुत से बच्चे जुड़े हैं, सैकड़ों बच्चे से ज़्यादा जुड़े हैं लाइव सेशन में, तो सभी का बहुत बहुत दिल से आभार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों जैसे देखिए, कोई भी घर बनाने के लिए हमें बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत होती है। जैसे मान लो हमें अगर मकान बनाना है, आप सभी जानते हो, तो उसमें हमें ईंट लगाना होता है, सीमेंट लगाना होता है, बालू पत्थर चूना जो भी ककड़म बगड़म बहुत कुछ लगाना होता है ना, उन्हें हमें पहले से क्या करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है, ढूंढना खोजना पड़ता है। उसी तरह से अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पहले इसके मटेरियल इकट्ठा करेंगे। मटेरियल मतलब जान रहे हो भाई, हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो जो टॉपिक है उसके बारे में आपका परिचय होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों ये जो 1.3 है, वैसे अगर बात करें तो पहला चैप्टर ही पूरा क्या है, संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति में एक महत्वपूर्ण इसका अंग है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो जो एक्सरसाइज 1.3 आप पढ़ोगे इसमें रियल नंबर का कुछ गहराई से ही पढ़ना है। तो वो क्या है समझो, अगर हम एक्सरसाइज 1.3 के पहले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो हम करवाएंगे, पहले आपको बताएंगे जो इसका कॉन्सेप्ट है उसके बाद करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि कौन सा दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है, यही तो बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ। और ये बताना है कि किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे कि डेसिमल एक्सपेंशन आप जानते हो कई तरह का होता है भाई, इंग्लिश में यही तो बोलते हैं ना, एक्सपेंशन ही तो बोलते हैं ना इसको बच्चा, हाँ। देखो कई तरह का होता, मतलब एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ना तो टर्मिनेट करता है ना रिपीट करता है। तो आपको जो फ्रैक्शन इसमें दिए गए हैं आपको उनको भाग दे दे करके यही बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन टर्मिनेटिंग नहीं है। लेकिन पहले तुम इसका कॉन्सेप्ट तो जानोगे तब तो कर पाओगे ना बच्चों। तो पहले आप हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, हिंदी मीडियम वाले लिख लें वास्तविक संख्याओं का परिचय, लिख लीजिए वास्तविक संख्याओं का परिचय, लिखिए वास्तविक संख्याओं का परिचय, लिख लिए। तो बच्चों ये हेडिंग डालने के बाद तुम क्या करोगे, जरा ध्यान से देखो, रियल नंबर का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या मैंने रियल नंबर ही तो लिखा है? हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग डालो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसके बारे में पहले समझ लो, हेडिंग डालो फटाफट, हिंदी में भी बताऊंगा अभी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्स क्या है भाई, एक्सपेंशन। देखो यहां पे समझो ये क्या होता है, इसको हिंदी में भी बताऊंगा अभी। बच्चों इसे हिंदी में बहुत शुद्ध तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इसे बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव।
जैसे अगर मैं आपको भाग करने को बोलूं कोई नंबर को, तो भाग तो आप लोग कर लोगे, हाँ कर लोगे ना कि नहीं कर पाओगे? देखो यहाँ पे समझो बच्चों, शांत दशमलव जो है, जैसे अगर मैंने कहा कि भैया पाँच में दस से भाग करो, बोलो सभी कर लोगे? हाँ कर लोगे, बहुत सिंपल सा है। आप कहोगे कि गुरुजी 0.5 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आठ में सौ से भाग करो, तो आप कहोगे गुरुजी इतना हो ही जाएगा, ये तो आप आराम से कर लोगे बड़े प्यार से। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, वो क्या समझना है कि सिर्फ जीरो वाले ही तो नहीं मिलेंगे ना, आगे चल के बहुत तरह के मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। तो इसमें आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। देखो बच्चों, शांत दशमलव क्या होता है, वो फ्रैक्शन या फिर वो दशमलव प्रसार जो पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और शेषफल जीरो आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, या फिर शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है जिसका शेषफल जीरो आ जाए। जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल आपको दूँ, एक और भी लिख लो, 45/100, ये बराबर आएगा 0.45। इसका मतलब पहले आप समझ लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, ठीक है? तो बच्चों जैसे अगर हम ये 45 में 100 से भाग करेंगे, तो आप सबको पता है कि इसका भाग इसमें कर लोगे ना भैया? ब्रजेश यादव पढ़ाई कर लो बेटा, नहीं ब्लॉक कर देंगे, ठीक है? यहाँ बातचीत करने का टाइम नहीं है, हम मैट्रिक में कुछ नंबर नहीं पाए थे, फेल हो गए थे, उसके बाद फिर हम पढ़ाने लगे, समझ रहे हो? अब चलो, अब तुम खुश हो गए ना? देखो हम कितना पाए थे, क्या किए थे, वो तुम कभी कर पाओगे जब तुम मेहनत करोगे ना यार। हमारे तो 100 में 100 मैथ में आए थे, तो क्या तुम भी ला सकते हो? बताओ, ला सकते हो ना, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ लो चुपचाप। चलो देखो इधर, इसको भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, हमें पता है पहले ये 0 बार जाएगा। हाँ कितनी बार जाएगा भैया? 0 बार जाएगा। कौन है यार? 0 बार आप इसको पहले एक बार ले जाओ, क्योंकि उसके ज़्यादा भाग जाएगा नहीं इसमें। तो एक मिनट इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ, ये सब बहुत नालायक टाइप के हैं। चलो कर लो। तो पहले आप क्या करोगे, 0 बार ले जाओगे, तो भाई 0 बार अगर ले जाओगे तो यहाँ पे 0 आएगा, घटाओगे तो 45 आएगा। कुछ लोग कहेंगे एक बार काहे नहीं ले गए भैया, 100 एक कम 100 ज़्यादा हो जाता। फिर कहोगे 0 बार ले जाने से फ़ायदा क्या हुआ? बाबू देखो 0 बार ले जाना ज़रूरी है, डायरेक्ट आप 1 नहीं ले जा सकते, 1 जाएगा ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 उतारेंगे। अब हमारा ये 4 बार जाएगा तो ये 400 आएगा, अब घटाओगे तो 50 आएगा। इतना सबको समझ में आ रहा है, नीचे दिख रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो बच्चों फिर क्या करोगे, अब तुम 5 बार ले जाओगे, हाँ भाई 50 आया था, ऊपर से मैंने 1 0 उतार लिया, क्योंकि एक बार दशमलव बढ़ाने के बाद तुम बार बार 0 उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब समझो, अब 5 बार ले जाओगे तो 500 हो जाएगा, ठीक है? मतलब कि ये भाग करने पर हमारा इतना मिला, शेषफल कितना आया सभी बच्चे बताओ जल्दी से। अनूप, मिलन बताओ, नीतीश, नवनीत, छोटे लाल, देखो हम हर दिन क्लास में नाम नहीं बोलेंगे, याद रखना। तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइव नहीं है, नाम नहीं बोल रहे। तो शेषफल कितना आया? प्रशांत शर्मा, PBR स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो भैया बाबू, उसमें जाके इनरोल कर लो कोर्स और पढ़ लो, हाँ जाके आज ही तुरंत इनरोल करो फटाफट। शेषफल 0 आया, शेषफल 0 आया गधों, कितना आया है? 0 आया बाबू, कितना आया है? 0 आया है। तो एक प्रकार से यही हम आपको बताने वाले थे कि ऐसा दशमलव प्रसार जिसका शेषफल 0 आ जाए भाग करने पर, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है या शांत दशमलव कहलाता है। अब मैं यही नहीं बताऊंगा बार बार, नहीं तो 8 घंटा मैं यही करता रहूंगा। और सारे एग्जाम्पल तुम करके देखो, जैसे 7/2 इसको भी कर लो, 1/2 इसको भी कर लो बच्चा, और 8/10 इसको भी कर लो। ये सभी क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जाम्पल हैं, और भी लाखों एग्जाम्पल हैं, करोड़ों हैं, बहुत सारे हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना बच्चा कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। जब हम 0 शेषफल लाते हैं भाग करके, मतलब 0 आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। जिनको सीखना है पूरा देखो, अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, आपके घर में भैया दीदी भाभी अंकल आंटी हैं, वो भी इसको देख सकती हैं, क्योंकि उनके कंपटीशन में भी आता है,
सीटेट सुपरटेट वगैरह में आप देखोगे तो एसएससी वगैरह देखोगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, हाँ लटक जाते हैं उसी में क्योंकि बेसिक नहीं आता है। हरी ओम रावत। तो बच्चों इसको समझ के जो लिखने वाले हैं लिख लें, इन दिस आवर रिमाइंडर बिकम्स जीरो आफ्टर सम स्टेप, इन दिस आवर रिमाइंडर बिकम्स जीरो आफ्टर सम स्टेप्स, ये इसकी इंग्लिश परिभाषा हो गई। हिंदी में आप लोग परिभाषा इसका लिख लोगे कि शांत दशमलव प्रसार में कुछ स्टेप करने के बाद शेषफल जीरो हो जाता है। अगला इसमें क्या है कोई बताएगा टाइटल? हाँ अगला टाइटल कोई बताएगा? देखो बच्चों समझो, नॉन टर्मिनेटिंग है अगला, ये आपका पहला था इसमें, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। भैया देखो इसका इंग्लिश भी बता रहा हूँ हिंदी भी, क्योंकि हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी होते हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड से भी होते हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड के होते हैं, पूरे देश के बच्चे हैं, तो उनको हिंदी अगर नहीं समझ में आती तो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अमेरिका वाला भी समझ जाएगा इसका मतलब क्या है, लेकिन हिंदी में नहीं समझेंगे। तो देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, इसको लिख लो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, या फिर इसे रिपीटिंग भी लिख सकते हो, जिसे एक प्रकार से आप क्या कहोगे भाई, इसकी जो हिंदी है बड़ी खतरनाक है, अनौसानी पुनरावर्ती, या फिर हमें लगता है यही अशांत दशमलव प्रसार है, यही क्या है अशांत दशमलव प्रसार है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, इसका हिंदी जो मुझे मालूम है जो मैंने ढूंढा है इंटरनेट से वो लिख लो, अनौसानी, आपके बुक में भी यही दिया है अनौसानी और पुनरावर्ती, हिंदी इसकी बड़ी खतरनाक है, जो हिंदी पढ़ते हैं उनको पता होगा। देखो समझो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग या अनौसानी पुनरावर्ती क्या होता है बच्चों, ये ऐसा दशमलव प्रसार होता है जिसमें भाग करने के बाद में शेषफल जीरो नहीं आता है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं होता है, लेकिन रिक्वायरिंग मतलब रिपीट करता है, रिपीट करता है बार बार साइकिल की ऐसे चैन, जैसे जैसे साइकिल देखो साइकिल में एक ही चैन होता है, ऐसे ऐसे चलता रहता ऐसा नहीं खत्म हो जाए ना भाई, पंखा देखो छत में घूमता रहता ऐसा नहीं खत्म हो जाए भाई घूम गया पूरा, तो क्या होता है इसमें रिपीट होता है, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे चिराग बेटा तुम 5 मिनट के लिए गए, समझो इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे 1/3 इसका क्या है एग्जाम्पल है, अब मुझे सभी बच्चे ये बताओ 1/3 अगर इसको हल करोगे तो कितना आएगा, चलो जल्दी बताओ ब्रजेश यादव, बच्चा पढ़ाई कर लो जो हो रहा है, हाँ 11th का क्लास अगस्त से चलेगा, अगर चलेगा तो अभी कन्फर्म नहीं है, 11th 12th का अगस्त से, कक्षा 10 का जो चलेगा वो 15 जुलाई के बाद से हमारी कोशिश है, लेकिन कक्षा 10 के बहुत बच्चे नहीं हैं, कक्षा 10 में बच्चे कम हैं, अगर 100 बच्चे से कम रहते हैं तो हम लाइव में पढ़ाते नहीं हैं, मतलब लाइव क्लास चलाने के लिए कम से कम 100 बच्चे होने चाहिए, 100 से कम होते हैं तो हम लाइव नहीं चलाते हैं, तो कक्षा 10 में अगर आप 100 जोड़ सकते हो तो बताओ, ठीक है। देखो इसका मैंने पूछा था कितना आएगा, कौनो नहीं बताया, मुकेश शर्मा जी बता रहे, बस भाई मैंने सबसे पूछा बच्चा 1/3 कितना आएगा, देखो बेटा अगर इसको हम भाग करें तो इसको तो खतरनाक हिंदी इसकी हटाओ यहाँ से, इसको ऊपर लिख देते हैं, चलो भाग करते हैं, आप लोग जान गए हो अनौसानी पुनरावर्ती क्या है, ये अनौसानी पुनरावर्ती, ठीक है इतना क्लियर है ना भैया, तो इसका क्या होता है ना भाई बाबू, देखो इसका जब भाग करोगे तो 0.333333333 ऐसे होता जाएगा, कब तक जाएगा पता है, अभी तो तुम बच्चे हो पढ़ रहे हो, ये तब तक जाएगा जब तक तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे चुन्नू मुन्नू आ जाएंगे 2-4, हाँ फिर कहेंगे पापा बस करो अब नहीं कटेगा ये, मतलब अब ये भाग पूरा जाएगा नहीं, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होगा, समझ गए ना, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। भैया जितने भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, हो सकता है लाइव के बाद आपको चैनल ना मिले, हाँ तुरंत सब्सक्राइब कर लो, अभी देर ना करो, फटाफट चैट का ऑप्शन हटाओ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, घंटी बजा दो तुरंत, चलो और सेशन को लाइक करो।
बहुत मस्त टॉपिक होने वाला है, फटाफट करो चलो। तो ये हो गया, लेकिन क्या ये ऐसे लिखते हैं इसको फैला करके? नहीं, इसको लिखने का एक और तरीका है। इसको हम लिख सकते हैं ये थ्री के ऊपर बार, मतलब इसी में सब कुछ समझ जाता है। वो कैसे है देखो, मैं समझो इसको बताता हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे आ कैसे गया, ये तो बताया ही नहीं। देखो जैसे बच्चों, अगर वन में हम थ्री का भाग करें तो ये जाएगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं, पहले जीरो बार ले जाते हैं, यहाँ पे जीरो आता है, घटाएंगे वन आएगा, उसके बाद ऊपर दशमलव बढ़ाते हैं, फिर यहाँ जीरो उतारते हैं। कोई भी संख्या में अगर कोई भाग नहीं जा रहा है तो ये मत कहना नहीं जा रहा है, तुम जीरो बार ले जा सकते हो हमेशा, वन बार भले ना जाए लेकिन जीरो बार जाएगा, क्योंकि जीरो वन से छोटा होता है। तो बच्चों ये तीन बार जाएगा तो ये नौ आएगा, फिर घटाओगे फिर से वही वन आ गया। अब बार बार दशमलव नहीं बढ़ाते हैं, एक ही बार दशमलव बढ़ाते हैं, बार बार जीरो उतारते जाते हैं, उतारते जाते हैं हजारों बार। फिर ये तीन गया, फिर ये नौ आ गया, मतलब इसकी आदत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जैसे भी ये कुछ भी करो, इनका ये ख़त्म होने वाले हैं नहीं, तुम जितना बार भी कर लो। रंजू देवी पढ़ लो बच्चा, पढ़ लो, हाँ पढ़ लो, नहीं पटक देंगे उठा। चलो कितना आएगा, इतना आएगा ना, हो गया। तो इसको आप समझ गए इस तरह से। अच्छा और बताओ मुझे, वैसे तो मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, बहुत ज़्यादा करना है नहीं। अगला एक और लिख लो, वन अपान सेवन, ये कितना आएगा, चलो करके बताओ फटाफट। देखो बच्चों, ये आपका 1.3 एक्सरसाइज पढ़ने के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। वैसे आपको ये क्लास पिछले साल के शुक्ला सर ने पढ़ाया था, कृष्णा कुमार शुक्ला सर ने पढ़ाया था कॉपी पेन से, तो तुम लोग रो रहे थे, कह रहे थे नहीं सर जी आप बोर्ड पे पढ़ाओ ना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ तो मैं इसलिए बोर्ड पे पढ़ाने लगा, तो बोर्ड में भी तुम लोग की जब निकल रही तो मैं क्या करूँ, बताओ। हाँ बताओ, सोनू एस पे पटेल भाई बताओ, सोनू ठीक हो ना, हाँ लड़का बच्चा ठीक है कि नहीं, सब ठीक है ना। चलो समझो आगे, एक अगला इसमें लास्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉर रिक्वायरिंग, मतलब रिपीटिंग। ये तीन ही टॉपिक है इसमें, लिखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, रिपीटिंग या रिक्वायरिंग मतलब लिख लो, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, यहाँ पे समझो। देखिए बच्चों, ये एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक ऐसा दशमलव प्रसार होता है जिसमें ना तो रिपीट होता है और ना ही कटता है। ये वैसे सरकारी नौकरी की तरह है, हमारे इंडिया में जैसे वैकेंसी आती है इतना, ना वो पूरा होती है ना वो कैंसिल होती है, बच्चा पढ़ता रहता है, 8 साल, 7 साल, 6 साल, 10 साल खिसक जाता है। हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पीछे देखो, समझ रहे हो ना। चलो देखो, तो इसको क्या करेंगे, लिखो। अच्छा इसके इंग्लिश नहीं लिखवाए क्या ऊपर वाले का? इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप, जो अभी मिटा दिए उसको लिख लो, इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप। इसका इंग्लिश डेफिनेशन लिख लो भैया, इंग्लिश डेफिनेशन लिख लो बाबू, क्या लिखोगे? इन दिस रिमाइंडर नेवर जीरो नॉर रिपीट, इसका इंग्लिश परिभाषा लिख लो, इन दिस रिमाइंडर नेवर जीरो नॉर रिपीट, एन ओ आर लिखना, ठीक है। हिंदी में लिख लो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दशमलव प्रसार में शेषफल ना तो शून्य आता है और ना ही रिपीट होता है, ना तो शून्य आता है और ना ही रिपीट होता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, जैसे 22/7 अगर तुम करके देखो, भाग दे के देखना कितना आता है फिर बताना। हाँ और एक और, ये अंडर रूट दो, इसका मान भी करके देखना फिर बताना, 1.401 समथिंग ऐसे आता जाता है, इसको भी करके बताना, ठीक है। तो ये था आपका जो इसमें का तीन टॉपिक, वो मैंने आपको बताया। ऋतिक सिंह आ रहा समझ में? चिराग बेटा काहे मुंह बना रहे हो, पढ़ लो, पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है तो जाओ कुछ काम धाम करो, भैंस को चारा वारा डाल दो। हाँ समझ रहे हो ना, गोबर ओबर बाल लो।
आपका हो गई कौन सा काम है भाई, जो पढ़े लिखेगा नहीं क्या करेगा बताओ। जो नहीं पढ़े लिखेगा वो क्या करेगा, कोई ना कोई काम तो करेगा ना। तो उज्जवल सिंह चलें आगे बढ़े, ठीक है सब कुछ मजा आ रही, समझ में आ रहा ना। तो सबसे पहले तो तुम जितने लोग जुड़े हो तुरंत लाइक करो, अब लाइक करो उसके बाद आगे बात करेंगे, नहीं तो उसके पहले हम बोलेंगे नहीं। चलो फटाफट लाइक करो। चलो ब्रजेश बेटा तुम अब शांत हो जाओ, नहीं तो तुमको हम उठा फेंक देंगे, निकल लोगे यहाँ से, समझ रहे हो ना। शांत हो जाओ तुम। हुआ सभी किए, फटाफट लाइक करो, मैं देख पा रहा हूँ कौन नहीं कर रहा है। कंजूसी नहीं करना भाई, बेईमानी नहीं, मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूँ। अब तुम अगर बेईमानी करोगे तो फिर ये हजम नहीं होगा। चलो देखो बिल्कुल एक बात बता दूं, नहीं पढ़ोगे ना तो ना नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी, छोकरों नहीं मिलेगा जो छोकरियाँ हैं उनके लिए, तो फिर आगे चिल्लू मिल्लू नहीं आएंगे, फिर आगे कुछ होगा नहीं, समझ रहे हो ना। तो इसलिए पढ़ लो, बस यही एक छोटा सा उदाहरण है जिससे तुम समझ सकते हो, पढ़ लो। समझ गए ना, कक्षा 9 में पढ़ते हो अभी, होगा क्या, नहीं पढ़ो लिखोगे, महंगाई इतनी ज़्यादा चल रही मालूम है, सब्जी लेने को भी पैसा नहीं रहेगा। हाँ सब्जी 100 रुपये किलो मिल रही है भाई, परवल हमारे इलाहाबाद में 80 रुपये किलो मिल रहा है, टमाटर 60 रुपये किलो मिल रहा है, प्याज 80 रुपये किलो मिलने लगती है, क्या करोगे, तेल 200 रुपये किलो मिल रहा है, खाओगे नहीं। हाँ इसलिए पढ़ लो, मम्मी पापा कब तक करेंगे सोचो, अगर आप कक्षा 9 में हो तो मम्मी पापा कब तक करेंगे, तुमको तो कभी ना कभी करना पड़ेगा ना, इसलिए पढ़ लो। चलो देखो इतना हो गया, तो बच्चों अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 में, क्लास 9th NCERT मैथ में। ये बताओ सबसे पहले कौन कौन किताब लिया है, किताब लिए हो सभी, बोलो यस या नो, बुक लिए हो, रोज पूछता हूँ ना, किताब लेके आया करो, अच्छी से पढ़ना है तो। हाँ चलो देखो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है यहाँ पे समझो, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला है 36/100, क्या है 36/100, तो भैया चलो लिख लो बाबू, सभी बच्चे इसका बताओ, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, चलो बताओ भाई फटाफट बताओ बच्चों। दूसरा बताओ 1/11 दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, नितेश कुमार, हरिओम गौर, हरिओम आ गए भाई, ये तो भगवान है, इनको सब्जी से कोई मतलब ही नहीं, कह रहे इनको चैप्टर पढ़ा दो बस, इनको सब्जी के भाव से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब्जी नहीं खाते हैं, ये कुछ और खाते हैं, जो लोग नहीं खाते उसको खाते हैं ये, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। देखो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब दशमलव प्रसार शांत है या और क्या कह रहा था, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये पूछ रहा था। तो ठीक है बच्चों कर लो फटाफट, कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है, अगर तुम कॉन्सेप्ट सीख गए हो तो फिर कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता इसको करने में। देखो हाँ स्लो मोड हटाओ, इनके दर्द हो रहा है, स्लो मोड हटा दो तो ये कॉपी पेस्ट करें। 36/100 ये इतना आएगा ना, 2 अंक पे दशमलव लगेगा ना, क्या होगा 2 अंक पे डेसिमल लगेगा, तो बच्चों ये कहने का मतलब है कि शेषफल 0 आएगा, जब हम 36 में भाग करेंगे तो 0 बार जाएगा, 0 उतारोगे 36 आएगा, दशमलव बढ़ाओगे 0 उतारोगे 3 बार जाएगा भैया, 3 बार जाएगा बबुआ। अब ये भाग करना तो तुम जानते हो, इसमें तुम्हें बताऊंगा नहीं कि हाँ इसको भी बताऊं कि भाग कैसे होता है, अब जब ये भी नहीं जानते हो तो 0 लेवल गणित देखो। चलो समझो, तो बच्चों अगर शेषफल 0 आ गया तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि शांत होगा, आप लिख लो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, या फिर लिख लो ऐसे शांत, ठीक है क्या लिख लो, शांत, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा क्या है, दूसरा भैया खतरनाक है मुझे लग रहा है, दूसरा खतरनाक है बच्चा, पहले तो तुम भाग करके मुझे बताओ कितना आएगा, 0.1
ये 09090909 ऐसे जाएगा, ये खत्म नहीं होने वाला है, है ना भाई अनुराग सिसवाल? कुछ नहीं सौरभ मौर्य बेटा, तुम जाओ कुछ और करो। हाँ देखो, ये आप भाग करोगे बार बार, रिपीट होगा, मतलब क्या कहोगे इसे फिर? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ना, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, ठीक है? ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। अगर पढ़ना है तो क्लास छोड़ के ना जाना, बाकी अगर जाना है तो निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे समझो ये कैसे लिखा हूँ बच्चों। ये कटेगा नहीं और बार बार रिपीट होगा, कुछ ही गिनती लेकर के क्या होगा, ये रिपीट होता रहेगा। जैसे देखो तुम इधर समझो, हमें क्या करना था, हमें 1 में 11 से भाग करना था, मतलब 1 में 11 से भाग करना है। तो पहले हम 0 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे 0 बार जब ले जाते हैं भैया तो 0 आता बाबू, क्या आता है? 0 आता है। लेकिन 0 ले जाने के बाद भी अभी ये भाग ले जाने के काबिल नहीं बचा। गलत है, इसे नहीं होता है। जब ऊपर 0 बार तुम ले गए तो वहाँ पे 0 नहीं आएगा, 0 बार ले जाने पे ही आएगा, इस मतलब मैदान में आ जाता है, समझ गए? इसका ये मतलब होता है। तो बच्चों ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, ऊपर दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 उतारेंगे, लेकिन अब भी ये भाग ले जाने के काबिल नहीं बना। अब फिर क्या करेंगे भैया, जब नहीं पूरा हो रहा है, वो छोटा पड़ रहा है, 10-11 बड़ा है, तो ऊपर 1 0 बढ़ाओगे, तब यहाँ 1 0 और उतारोगे। याद रखना, अगर किसी गिनती के बगल में 2 0 उतार रहे हो तो हमेशा ऊपर 1 0 बढ़ा के तभी उतारोगे। ऐसा नहीं कि एक बार दशमलव बढ़ा दिए तो तुम थोक रेट में 10-20 0 उतार लोगे, नहीं, सिर्फ 1 ही अलाउ है, उससे आगे अलग चार्ज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। दीपक पटेल कुछ बुझा रहा बच्चा? चलो अब ये 9 टाइम जाएगा, तो बच्चों ये 99 आएगा, फिर घटाओगे फिर ये 1 आ गया। अब इसकी गरीबी फिर से वैसे शुरू हो गई, ऊपर दशमलव बढ़ाया है तो 0 तो उतार लिया, लेकिन फिर भाग नहीं जा रहा है, मतलब महागरीबी है इसके यहाँ। तो क्या करेंगे अब क्या करेंगे बच्चों, फिर से 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 उतारेंगे, और फिर ये 9 बार जाएगा, और तुम देख पा रहे हो ये फिर वहीं पहुंच गया। ऐसे करते जाओ बार बार करते जाओ, वही आएगा, कभी ये कटेगा नहीं। समझ में आया ना? पल्लवी मिश्रा आ रहा समझ में? सबको समझ में आ रहा है ना? मुझे लग रहा है ब्राइटनेस थोड़ा कम है क्या? हाँ थोड़ा कम चमक रहा है ना? चलो ओके गुड। तो ये ना तो कटेगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये, मतलब इसे हिंदी में क्या लिखेंगे भाई, अनवसानी पुनरावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखो, अनवसानी पुनरावर्ती, इंग्लिश में लिख लो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है? हिंदी वाले लिख लें, हमें लगता है यही क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। लिख लो अशांत दशमलव प्रसार, लेकिन मुझे इसकी हिंदी बहुत अच्छी क्लियर नहीं है, अनवसानी पुनरावर्ती इसकी हिंदी होगी। आपके उत्तरमाला में भी ऐसे ही लिखा है, अनवसानी सानी है कि सनी है, पुनरावर्ती। देखो आप केवल मतलब समझ लो, बाकी ये चीज़ तो तुम कहीं से भी जान लोगे हिंदी उन्दी का होती है, ठीक है? यानी अगर शेषफल 0 ना आए, बार बार कुछ गिनती रिपीट करे, बार बार रिपीट करे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन अगर शेषफल 0 आ जाए इस तरह से, तो वो टर्मिनेटिंग होता है, या फिर दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। अभी और जूम करें, कम मजा आ रही है। तुम लोग पढ़ भी रहे हो कि मैं फालतू चिल्ला रहा हूं? समझ में आ रहा ना सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों ने इसको कर लिया, इसमें एक दो जो और है उसको अब कर लेना, मैं क्या बताऊं फालतू, कर लोगे कि नहीं? तीसरा बताओ, अब तुम बताओगे, अब मैं नहीं बताऊंगा, और नहीं बहुत मारूंगा पटक पटक के, इतना जान लो, अब नहीं बताओगे तो कल से मैं पढ़ने नहीं दूंगा। चलो
काम चोरी नहीं करना है, ठीक है, और जो काम चोरी करेगा ना उसे यहाँ पे पढ़ाना नहीं दिया जाएगा, देखो समझो। तीसरा 4 × 1/8, चलो बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, सभी बच्चे बताएं। मनोज सिंह बेटा और देर में आओ, हाँ और देर में आओ, 7 बजे शुरू होती है, तुम 9 बजे आओ, फिर अभी देखो क्लास खत्म हो जाएगी ना तो वॉच रिप्ले का ऑप्शन आएगा, दोबारा देख लेना। जो बच्चे 7 बजे नहीं जुड़े थे वो बच्चे इस क्लास को रिपीट कर लेंगे, रिपीट कर लेना, सब समझ में आ जाएगा। चलो इसीलिए तो मैं 10 सेकंड के लिए लगाया हूँ रोक, कुछ ऐसे नालायक है ना जो कॉपी पेस्ट करते हैं तो बेटा 2 बार पेस्ट करते हैं, होता ही नहीं है, तब तक किसी और का कमेंट आ जाता है, नहीं तो ये जो इमोजी आ रही ना सौरभ की, ये लगातार केवल इन्हीं का दिखता है, जल बाबा की किसी का ना आता। अगर कोई मैसेज टाइप करेगा, तो फिर आएगा कमेंट, अगर वो पेस्ट करेगा तो नहीं आएगा। कर लोगे ना भैया? अबे बोलते काहे नहीं तुम लोग, हाँ कौन नहीं बोल रहा है, कर लोगे ना, हाँ जमन राहपट मारेंगे ना, दिमाग हरेर हो जाएगा, नहीं करोगे तो जान लो। तुमको पता है ऑफलाइन पढ़ाते ना बहुत मारते थे जो ना करता था, हमारा होमवर्क सब करके लाते थे, चाहे और गुरुजी का करें या ना करें, 9th-10th वाले बहुत फास्ट करते थे, उनको पता था मैथ में नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे समझो, ये अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो ये 33/8 आएगा, अगर इसको भाग करोगे बच्चा तो करके देख लो, फिलहाल बड़ा डेंजरस आएगा मुझे लग रहा है ये, हाँ कट जाएगा, बिल्कुल सही, रंजू देवी बता रही, बहुत अच्छे, जसबिंदर सिंह बहुत अच्छे, वेरी गुड, साजन कुमार हाँ भैया कट जाएगा बाबू, ठीक है बहुत अच्छे, यही तो हमारे सबसे प्यारे लाडले बच्चे हैं, ये देखो 4.125 आएगा बता रहे हैं, और कुछ तो ऐसे गधे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब बैठे हैं आराम से, अभी छाप लेंगे बस। देखो तो बच्चों जब ये जीरो शेषफल आ जाएगा, इतना भागफल आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इसे लिख दोगे टर्मिनेटिंग, क्या है ये टर्मिनेटिंग है, मीन्स शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या शांत दशमलव प्रसार। तो इसमें एक और भी है, जो भी आप कर लोगे, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, लिख लो तुम लोग, कर लेना, मैंने सारा गुण सिखा दिया तुम्हें। चलो बताओ 4 वाले का जवाब दो फटाफट सभी बच्चे, उसके बाद 5 वाला बताना, 2/11, सभी बताओ, सभी फटाफट, उसके बाद 3, 2, 9, 400, चलो। सोवन पंडित, चिराग, ऋतिक, ब्रजेश, सोनू, सोनम, निशांत, ठीक है बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, चलो, फटाफट आए रहो भाई, आए रहो, हाँ मनोज यादव आ रहा समझ में, केशव दुबे, सबको आ रहा ना बच्चा, अंशु आ रहा है,